इंसानों पर अटैक करने के लिए ग्रेट व्हाइट जायंट शार्क्स बहुत फेमस है, जिसे समुद्र का सबसे खतरनाक जीव भी माना जाता है, जो एक ही बार में बड़े से बड़े जीवों को अपने नुकीले दांत से चीर फाड़ कर रख देती है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में कई दूसरी मछलियां भी है जो शार्क से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में ऐसे ही 10 सबसे खतरनाक मछलियों के बारे में बताएंगे। नंबर 10, वर्ल्ड्स कैटफिश। वर्ल्ड्स कैटफिश ताजे पानी की एक बहुत बड़ी मछली है, जो कजाकिस्तान, चीन, ग्रीस, टर्की, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में पाई जाती है। इसकी लंबाई 5 मीटर और वजन लगभग 150 किलो तक होते हैं, जिसके साथ ये 50 सालों तक जिंदा रह सकती है। वर्ल्ड्स कैटफिश कॉन्टिनेंटल यूरोप की गर्म झीलों और नदियों में रहती है। ये मछली मेंढक और पानी में रहने वाले दूसरे जीवों का शिकार करके उसे खाती है। वर्ल्ड्स कैटफिश आक्रामक शिकारियों में से एक है। इसके रेजर जैसी धार वाले नुकीले दांत से ये अपने शिकार के साथ साथ इंसानों पर भी हमला कर सकती है। ऐसे कई केसेस सामने आई है जहां नदी और समुद्र में नहाते हुए इंसानों को वर्ल्ड्स कैटफिश के हमले का सामना करना पड़ा। नंबर 9, कैंगरू फिश। कैंगरू फिश न सिर्फ खतरनाक है बल्कि बहुत जहरीली भी होती है। अमेज़न की नदियों में पाई जाने वाली ये मछली स्मॉल मॉन्स्टर यानी छोटे दानव के नाम से जानी जाती है। इसके साथ साथ ये पेंसिल फिश, टूथपिक फिश और वैम्पायर फिश नाम से भी जानी जाती है। अगर इसकी साइज की बात करें तो ये 13 से 15 सेंटीमीटर तक ही होते हैं, लेकिन इसकी कुछ प्रजाति हैं जो 40 सेंटीमीटर तक होते हैं। ये शरीर के नाजुक हिस्सों पर अटैक करके सीधे अंदर घुस जाती है, जो किसी भी जीव को मारने के लिए काफी है। नंबर 8, इलेक्ट्रिक रे। इलेक्ट्रिक रे दुनिया में पाए जाने वाले इलेक्ट्रिक जीवों में से एक है, जो दुनिया भर के टेम्परेट सीज में रहती है। दुनिया में इसके कई सारे प्रजातियां पाई जाती हैं। ये अपनी मांसपेशियों के जरिए बिजली को प्रोड्यूस और स्टोर कर सकती हैं। इलेक्ट्रिक रे शिकारियों से बचने या शिकार पकड़ने के लिए बिजली के झटके का इस्तेमाल करते हैं। ये एक ही बार में 8 से 220 वोल्ट तक की बिजली को प्रोड्यूस कर सकती हैं। हालांकि इसके ये बिजली के झटके इस पर निर्भर करते हैं कि ये शिकार के लिए या सुरक्षा के लिए। ये मछली समुद्र में मिट्टी या रेत के नीचे रहती है। इसका गहरा भूरा रंग समुद्र में शिकारियों से इसे छिपाने में मदद करता है और यही रंग शिकार पकड़ने में भी मदद करता है। नंबर 7, लायन फिश। इंडो पैसिफिक और अटलांटिक महासागर में पाई जाने वाली ये मछली लायन फिश के नाम से जानी जाती है। इसके शरीर पे लाल, सफेद, भूरे और काले रंग के छाप की वजह से इसे जेब्रा फिश, फायर फिश, टर्की फिश, टेस्टी फिश या बटरफ्लाई कॉड भी कहा जाता है। लायन फिश की लंबाई 5 से 45 सेंटीमीटर और वजन 1.5 किलो तक होता है। इसके शरीर पे कई सारे पेक्टोरल फाइन्स और जहरीले डंक होते हैं। ये बहुत ही दर्दनाक जहरीले होते हैं। लायन फिश का जहर जानवरों के साथ साथ इंसानों के लिए भी बहुत खतरनाक होते हैं। इसके काटने पर बहुत ही दर्द होता है, साथ ही सांस लेने की तकलीफ और उल्टी होती है, और अगर सही समय पर चिकित्सा ना मिले तो मौत भी हो सकती है। नंबर 6, फाफर फिश। इस मछली के आसपास अजीब से कांटे निकले होते हैं, जो कि इसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं। भले ही फाफर फिश दिखने में बहुत ही सुंदर और मासूम लगती है, लेकिन ये बहुत ही जहरीली होती है। आप यकीन नहीं करेंगे, ये मछली का जहर साइनाइड से भी 1200 गुना ज्यादा तेज होता है, और इसी वजह से ये मछली हर साल लगभग 100 लोगों की जान ले लेती है। जब ये मछली किसी को काटती है तो इंसान पहले पैरालाइज्ड हो जाता है और बाद में उसकी मौत हो जाती है। ये मछली जापान, फिलीपींस, मैक्सिको और चीन जैसी जगहों में पाई जाती है। इसे फाफर फिश, वेलून फिश, वावल फिश, ग्लोब फिश, स्वेल फिश जैसी और भी कई सारे नाम से जाना जाता है। हालांकि ये मछली इतने जहरीले होने के बावजूद भी जापान के लोग इसे बहुत ही चाव से खाते हैं। नंबर 5, इलेक्ट्रिक ईल। खतरनाक इलेक्ट्रिक ईल अमेज़न और ओरिनोको नदी में रहती है। इसकी लंबाई 2 मीटर तक होते हैं और वजन 20 किलो जितना होता है। ये मछली भी इलेक्ट्रिक रे की तरह बिजली के झटका देने के लिए जानी जाती है। इसके शरीर पे इलेक्ट्रोलाइट्स नाम का 6000 से भी ज्यादा अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। अपने बचाव या शिकार को पकड़ने के लिए ये एक ही बार में 700 से 600 वोल्ट तक का बिजली के झटका देती है। ये मछली मुख्य रूप से रात में ही शिकार करती है
और ये नदी में रहने वाली छोटे मछलियों को खाती है। इलेक्ट्रिक ईल का बिजली का झटका इतना ज्यादा तेज होता है कि इसमें इंसान का हार्ट फेल हो जाता है और जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। नंबर 4, फिरहाना। छोटे से मध्यम आकार की ये मछलियां मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिकी की फ्रेश नदियों में रहती हैं और इसकी कुछ प्रजातियां पूरे विश्व भर के नदियों में मिलती हैं। फिरहाना ताजे पानी की एक खतरनाक जानलेवा मछली है जिसकी हथियार है उसकी त्रिकोण और तेज धार वाले दांत, जिसकी मदद से ये अपने वजन का 20 से 25 गुना ज्यादा वाइट फोर्स लगा सकती हैं। भले ही इसकी साइज कुछ सेंटीमीटर तक ही होते हैं, लेकिन ये बड़े से बड़े जानवरों को भी पाल भर में कुचल सकती है, क्योंकि ये कभी भी अकेला शिकार नहीं करती, बल्कि ये हमेशा एक झुंड में शिकार करती हैं। ये छोटे से बड़े हर प्रकार की जीवों की शिकार करती है, यहाँ तक कि ये इंसान को भी नहीं छोड़ता। आप विश्वास नहीं करेंगे कि इसके जबड़े की हड्डी इतनी मजबूत होती है कि ये इंसानों के हाथ को 5 से 10 सेकंड में कुचल सकती है। आपको बता दें कि अमेज़न में तो पिराना के इंसानों पर हमले की बात आम है। यहाँ हर साल पिराना के वजह से करीब 100 लोग अपनी जान गवा बैठते हैं। नंबर 3, वॉक्स जेलीफिश। इंसानों के लिए आज तक कोई सबसे खतरनाक मछली रही है तो वो वॉक्स जेलीफिश। मुख्य रूप से उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और पूरे इंडो पैसिफिक के तटीय जल में पाए जाने वाली ये जेलीफिश हल्के नील और पारदर्शी रंग के होते हैं और इनका ऊपरी भाग क्यूब आकार के होने की वजह से इसकी नाम वॉक्स जेलीफिश पड़ा। एक फुल्ली मैच्योर्ड वॉक्स जेलीफिश की लंबाई और चौड़ाई दोनों ही 20 सेंटीमीटर तक होते हैं। इनके सारे टेंटिकल्स 3 मीटर यानी 10 फीट जितना लंबी होती हैं और इनकी वजन करीब 2 किलो तक होती है। ये जेलीफिश पानी में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तैर सकती हैं। ये पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होती हैं, जिसके कारण इसे पानी में देख पाना मुश्किल होता है। वॉक्स जेलीफिश बहुत ही जहरीली होती हैं, जिसके टेंटिकल्स में नेमेटोसिस्ट नाम का जहर पाई जाती है और इसी वजह से वॉक्स जेलीफिश के हमले से पहले दिल काम करना बंद कर देता है, धड़कनें रुक जाती हैं और मौत हो जाती है। इनके हमले में हर साल लगभग 1000 लोग अपनी जान गवा बैठते हैं। नंबर 2, वुल शार्क। ये दुनिया के सबसे खतरनाक शार्क में से एक है। ये ब्राजील, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, भारत, वियतनाम, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। एक मेल वुल शार्क की लंबाई लगभग 7 फीट और फीमेल लगभग 11 फीट तक होती है। अगर इसकी वजन की बात की जाए तो एक एडल्ट वुल शार्क की वजन 90 से 227 केजी तक होता है। ये बहुत ही तेज और एक आक्रामक शिकारी है। ये कितना तेज है इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं, क्योंकि ये 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से तैर सकती है, जो कि एक समुद्री जहाज की सबसे हाईएस्ट स्पीड की बराबर। बुल शार्क दूसरी शार्क की तुलना में इंसानों पर ज्यादा हमले करते हैं। नंबर 1, स्टोन फिश। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे बदसूरत मछली की। इसे देखने पर दुनिया की हर चीज इसके आगे आपको सुंदर लगेगी, क्योंकि ये जितना बदसूरत है उससे कई ज्यादा एक खतरनाक है। इसके पास करीब 13 स्पाइन्स होते हैं जो जहर से पूरी तरह भरे होते हैं। इसका जहर किसी कोबरा से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं और सीधे नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। एक तो समुद्र में पड़े हुए किसी पत्थर और इस मछली में अंतर करना जैसे भगवान खोजना जैसी कठिन है, और गलती से भी इसके ऊपर पैर पड़ जाने से आपको यमलोक जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो कैसा लगा आपको समुद्र की इन मछलियों के बारे में जानकर, और इन मछलियों में से कौन सी आपको सबसे खतरनाक लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। हमें आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा।